हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल झटपट ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 30 ऐसी महान संरचनाएं और उनके लेखकों के नाम। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जाने महाभारत जैसी महान संरचनाओं के लेखक कौन है। और अगर दोस्तों आप झटपट ज्ञान को पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों झटपट ज्ञान को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों नंबर एक, हर चरित्र के लेखक हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बाण भट्ट। नंबर दो, पंचतंत्र के लेखक हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है विष्णु शर्मा। नंबर तीन, द गुड अर्थ किसने लिखा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पर्ल एस बक ने। नंबर चार, झांसी की रानी किसने लिखा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बृंदालाल शर्मा ने। नंबर पाँच, मेघदूत किसकी रचना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कालिदास। नंबर छह, सनी डेज किसकी रचना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सुनील गवास्कर। नंबर सात, इंटरनल इंडिया किसकी रचना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है श्रीमती इंदिरा गांधी। नंबर आठ, मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है शेक्सपियर। नंबर नौ, रणभूमि किसकी रचना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद। नंबर दस, द्वीप शिखा किसने लिखा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है महादेवी वर्मा। नंबर ग्यारह, निशीत किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है गुजराती। नंबर बारह, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती। नंबर तेरह, भारतीय मूल का कौन लेखक अंधा भी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है यमुना प्रसाद शास्त्री। नंबर चौदह, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कालिदास। नंबर पंद्रह, अर्थशास्त्र किसकी कृति है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कौटिल्य। नंबर सोलह, लीलावती पुस्तक संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है गणित। नंबर सत्रह, महाभाष्य किसकी कृति है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पतंजलि। नंबर अठारह, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जेबी कृपलानी। नंबर उन्नीस, इंडिया इज फॉर सेल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है चित्र सुब्रमण्यम। नंबर बीस, कामसूत्र के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वात्स्य ययान। नंबर इक्कीस, महाभारत के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वेदव्यास। नंबर 22, जेल और स्वतंत्रता के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है रघुवंश। नंबर 23, ज्योति पुंज के लेखक हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। नंबर 24, जजमेंट के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कुलदीप नैयर। नंबर 25, हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कामता प्रसाद गुरु। नंबर 26, गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। नंबर 27, नीम के फूल किसकी रचना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है लक्ष्मीकांत वर्मा। नंबर 28, दिल्ली के लेखक हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है खुशवंत सिंह। नंबर 29, द गोल के लेखक हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मेजर ध्यानचंद। नंबर 30, ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और साथ ही ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में और भी बहुत सारे सवाल लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।